जूम इसको देखो। दूसरी मिस इंडिया की तरह सयाली भगत ने भी अगला कदम उठाया है फिल्मों की तरफ। इमरान हाशमी के साथ ट्रेन में काम कर रही सयाली इन गर्मियों में लंबी छुट्टी शायद ना ले पाए, मगर फिर भी कुछ वक्त उन्होंने निकाला थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए। हाय, मैं हूँ सयाली भगत और आज आप मेरे साथ है जुहू बीच पे। तो जुहू बीच पे आके सबसे पहले हम क्या करते हैं? बीच पे जाते हैं। अब क्या करते हैं? नारियल पानी पीते हैं। नारियल पानी दीजिए। पता है आपको, नारियल पानी पीने के बहुत फायदे होते हैं। एक तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैं पीती हूँ, बट ऑब्वियसली। लेकिन इसमें कैलोरीज भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। हाँ, लेकिन कैलोरीज के बारे में आई डोंट केयर। सयाली को है बीच पर मस्ती करना काफी पसंद, और जहाँ इतनी गर्मी और धूप हो वहाँ नारियल पानी और बर्फ के गोले के बिना तो मजा फीका पड़ जाएगा। तो सयाली ने भी उस ठंडे ठंडे एहसास के लिए रुख लिया बीच का। मुझे याद है बचपन में मैं गोला सिर्फ लिप्स को कलर करने के लिए खाती थी, तो हमेशा मेरा गोला जो होता था वो रेड गोला होता था, स्ट्रॉबेरी गोला। एंजॉय। मुझे उम्मीद है आप ट्रेन देखने जरूर जाएंगे। मेरे उसमें 3 गाने हैं, वो अजनबी, बीते लम्हे और जिंदगी ने। आप उसे बहुत बहुत पसंद करेंगे और मुझे भी। मैंने आपको इतना एंटरटेन किया है, इतना खिलाया पिलाया है, प्लीज़ आपने तो मुझे पसंद करना ही चाहिए। एंड आई होप यू एंजॉयड टुडे विथ मी। आपके साथ मुझे बीच पे बहुत मजा आया। मस्ती के समय भी सयाली को अपना काम नहीं भूलता। अगर उनकी ये लगन काम आए तो ट्रेन के बाद उन्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर जरूर सयाली करना चाहेंगी एक और चिल्ला सेशन अपनी फिल्म की कामयाबी की खुशी में। जूम मुंबई। तरुण तहलियानी और रोहित गांधी जैसे कई जाने माने फैशन डिजाइनर्स दिल्ली के एक आर्ट एग्जीबिशन में नजर आए। इस एग्जीबिशन में सेलिब्रिटीज काफी कूल लग रहे थे और अपने फ्री टाइम का पूरा मजा उठा रहे थे। साथ ही यहाँ उन्होंने आर्ट के बारे में अपनी राय भी जाहिर की। कई मशहूर फैशन डिजाइनर्स दिल्ली में एक आर्ट एग्जीबिशन में एंजॉय करते नजर आए। वैसे तो ये लोग गांव में इतने बिजी रहते हैं कि इनके पास खाली टाइम नहीं होता, लेकिन जब कभी ये फ्री होते हैं तो अपने इस टाइम का पूरा मजा लेते हैं। सिर्फ पार्टी करने के ही लिए पेज स्ट्रीट्स नहीं पहुंचते हैं आर्ट इवेंट्स पर, बल्कि आर्ट की दुनिया की हलचलों और दिन दिन बदलते ट्रेंड से भी वो बखूबी वाकिफ हैं। आई थिंक जो न्यू एज आर्ट, जो जमाना है, इट्स ऑल अबाउट न्यू एज आर्ट, बिकॉज लोग काफी हैं जो बोर्ड हो गए हैं पुरानी पेंटिंग देख देख के, रेपिटेटिव आर्ट देख कर। तो इसलिए जो आजकल के लोग हैं काफी इनोवेटिव चीजें कर रहे हैं, काफी न्यू चीजें कर रहे हैं। इट्स मिक्स मीडिया विच इज यू नो, वेदर यू यूज अ पेंट ब्रश और यू मेक अ कोलाज आउट ऑफ डिफरेंट, आई मीन इट्स अ टेक्निक Which is highly technical actually. यानी एक आर्ट इवेंट सेलेब्स के लिए कई मायनों में काम आता है। बेहतरीन आर्ट को देखना, अपने खूबसूरत घरों के लिए आर्ट की खरीदारी और आर्ट की दुनिया की जानकारी मिलने के साथ साथ दोस्तों से मिलने का एक मौका भी। सौम्या चंदेल, Zoom, Delhi. For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888. शाहरुख खान है एक ट्रू स्पॉट, और जब वो फिल्म चक दे शूट कर रहे थे उनके साथ था एक डांस ट्रूप भरे स्टेडियम के लोगों को मनोरंजन देने। और ऐसे में जब किंग खान शूट कर रहे थे वो बार बार इस भीड़ से दरख्वास्त करते शांत रहने के लिए, मगर जब ब्रेक होता था वो उनके पास जाते और दर्शकों को इस डांस ट्रूप के लिए जोर जोर से तालियां बजाने को कहते। वेल, शाहरुख, आप जरूर ऑडियंस को अपने कंट्रोल में रखना जानते हैं। फॉर गॉसिप न्यूज, व्यूज, स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज, स्कूप्स एंड टैंट्रम्स, कीप वॉचिंग पेज 3 ओनली ऑन जूम इसको देखो।